कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सुनिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम यहाँ पे ये चीज कर लें, अच्छे से सुनने का, ये है रियरर मीडियम। ये जो रियरर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेता हूं म्यू वन। क्या लेता हूं? ये रियरर मीडियम मैंने यहां एयर और वैक्यूम नहीं लिया, कोई भी और मीडियम लिया मैंने, जिसको मैं यहां रियरर मान के चलता हूं, और एक मीडियम लिया जो इससे ज्यादा डेंसर है। तो यहां मैं दूसरा मीडियम लेता हूं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और इसको मैं कहूंगा यह डेंसर मीडियम। क्या सबको क्लियर हुआ? तो सबसे पहली बात, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने दो मीडियम लिए, एक को हम मान के चल रहे हैं रियरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, दूसरे को भी मान के चल रहा हूं डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। क्या ये सबको क्लियर है? नेक्स्ट चीज, अब जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइक दिस, ये इंटरफेस है यहां पर, ये आप सुनिए वो घरेलू सुनो, यहां पे जब ये रियरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी है वी वन, क्लियर? अब ये कहां जाएगी? डेंसर मीडियम में। यहां पे नॉर्मल डाल देता हूं, जब ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये बेंड होगी लाइक दिस, और इसका मान लीजिए वेलोसिटी यहां पर है वी टू। क्या सबको क्लियर है? सो अब हम क्या चीज काम करते हैं, हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छे से फोकस करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ये बराबर होता है जिसका निकालना उसका न्यूमरेटर में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो ये आएगा जिसका निकालना, निकालना किसका? सेकंड का, तो ये आएगा म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन। क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर काम चल रहा है अभी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई है, एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आएगा बराबर जिसका निकालना उसका एंगल डिनोमिनेटर में साइन के साथ, ये आ जाएगा ऐसे साइन आर, ऊपर आ जाएगा साइन आई। क्या सबको क्लियर हुआ? और ये साथ में किसके बराबर आएगा? इंटरनल वेलोसिटी सब बताया मुझे यहाँ पे, तो में डेंसर मीडियम जिसका निकालना उसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में, खाली ये चला जाता है न्यूमरेटर में, तो मुझे किसका निकालना? मीडियम सेकंड का, तो इसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में, मतलब वी टू डिवाइडेड वी टू ऊपर आएगा वी वन। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्योंकि जब लाइट ट्रेवल करती है रियरर मीडियम में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू द डेंसर मीडियम, मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि जो वी वन है वो ग्रेटर देन है वी टू के, क्योंकि जब भी लाइट ऑप्टिकली रियरर मीडियम में ट्रेवल करेगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी जब ये ट्रेवल करेगी किसमें? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, वी वन इज ग्रेटर देन वी टू। तब आप मुझे बताइए, जब v1 ज्यादा है v2 से, ये μ2 क्या है? देखो, हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, μ is inversely proportional to velocity, क्या ये हमने पढ़ा था? तो अगर आपको अब v1 ज्यादा है, ठीक है, v1 ज्यादा है v2 से, मतलब μ1 less than है μ2 से, क्या ये सबको क्लियर हुआ? जब μ2 ज्यादा है अब μ1 से, म्यू टू ज्यादा है किससे? म्यू वन से, therefore साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, जब ये चीज ज्यादा है इससे, therefore ये चीज ज्यादा है इससे, क्या सबको क्लियर हुआ? तो मतलब यहां पे आई साइन साइन कैंसल, आई इज ग्रेटर देन आर, क्या ये सबको क्लियर हुआ? जब आई ज्यादा है आर से, इसका मतलब जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रियरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों नहीं होगा ये नहीं पता आपको? आपके पास यहां पे है साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, सुनिए आप, ये है एंगल मान, ये है साइन फंक्शन, है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैं अप्लाई करता हूं साइन इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ आई ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ आर, ये साइन कैंसिल, ये साइन कैंसिल, तो यहां आएगा आई इज ग्रेटर देन आर।
क्या ये सबको क्लियर हुआ? आप आ जाएं, मतलब यहाँ पे जब लाइट ट्रेवल कर रही है रियर टू डेंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा मुझे मिल रहा है एज कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये बेंड हो चुकी है टुवर्ड्स नॉर्थ, तभी ये एंगल कम आया। अगर ये बेंड ना होती, सीधे चली जाती, तब तो ये बराबर आती। लेकिन अब मुझे आर कम आ रहा है, इसका मतलब ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? ओ गलेरे, समझ आया तेरे को? आप ध्यान दे, नेक्स्ट चीज ये था यहां पे केस व्हेन व्हेन लाइट ट्रैवलर्स फ्रॉम डेंसर, क्या गया था, रियर मीडियम रियर टू डेंसर मीडियम। क्या ये सबको क्लियर हुआ?